आज के समय में SUV गाड़ियों की डिमांड सबसे ज्यादा है, क्योंकि हर किसी को सिर्फ SUV गाड़ियां ही पसंद आती है। और अब इसी को देखते हुए ह्युंडई मोटर अपनी क्रेटा के एक छोटे वर्जन को लॉन्च करने जा रही है। क्रेटा के यह छोटा SUV वर्जन कम कीमत और शानदार फीचर से लैस होगा। बाकी कुछ ही दिनों पहले इस गाड़ी को टेस्टिंग के दौरान देखा गया था, जिसमें यह गाड़ी काफी बोल्ड और एग्रेसिव नजर आ रही थी, और कई लोग तो अभी से इस गाड़ी को इंटरनेट पर देख कर लेने का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि दिखने में ये नई छोटी SUV क्रेटा काफी दमदार नजर आ रही है। इस गाड़ी की एक झलमक ही आपको अपना दीवाना बना लेगी। जानकारी के मुताबिक छोटी ह्युंडई क्रेटा एक मध्यम वर्गीय परिवार की फर्स्ट चौसा SUV कार बनने वाली है। अगर आप हो नडाई की छोटी SUV क्रेटा के बारे में सही जानकारी हासिल करना चाहते हैं, तो अभी से हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही हमारे इंडियन कार रिव्यू YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप हमारी कोई भी नई वीडियो देखना न भूले। नई ह्युंडई क्रेटा छोटी होने के 771 SUV वाला फेल देगी, क्योंकि इस गाड़ी के छोटे होने के बावजूद भी इस गाड़ी में भर भर के फीचर्स दिए गए हैं। रही बात इन जिनकी, तो नेक्स्ट जनरेशन ह्युंडई क्रेटा SUV में कंपनी ए 5 लीटर का टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन देने वाली है, जो कि 4 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स से लैस होगा। लॉन्च होने वाली नेक्स्ट जनरेशन ह्युंडई क्रेटा कुल 2 वेरिएंट्स के साथ में लॉन्च की जाएगी, जिसमें बेस वेरिएंट और टॉप वेरिएंट शामिल है। अपकमिंग ह्युंडई क्रेटा स्मॉल SUV के बेस वेरिएंट में मिलने वाले फीचर्स की बात की जाए, तो इसमें टर्न इंडिकेटर और ORVM एडजस्टेबल रियर आउटसाइड मिरर और अंदर की ओर AC वेंट सीट, इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे कई फीचर्स मिलने वाले हैं। साथ ही इसके टॉप वेरिएंट की बात करें, तो इसमें कंपनी ऑटोमेटिक AC सनरूफ, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, मल्टीफंक्शन स्टीयरिंग जैसे कई फीचर्स मिलने वाले हैं। साथ ही इसके टॉप वेरिएंट की बात करें, तो इसमें कंपनी ऑटोमेटिक AC सनरूफ, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, मल्टीफंक्शन स्टीयरिंग व्हील, वॉइस कमांड की लेस एंट्री जैसे कई तमाम तरह के फीचर्स देने वाली है। लॉन्च डेट की बात की जाए, तो इस जनरेशन ह्युंडई क्रेटा SUV गाड़ी को कंपनी इसी साल दिसंबर के शुरुआती दिनों में लॉन्च कर सकती है। कीमत की बात की जाए, तो कंपनी इस गाड़ी को 3,21,000 रुपए की शुरुआती कीमत में लॉन्च करेगी, हालांकि यह कीमत 9,00,000 रुपए तक जाने वाली है।